दोस्तों, समुद्र जितना ही गहरा है, इससे ज्यादा गहरा उसमें छिपा हुआ रहस्य है। जी हाँ, पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है और इसी समुद्र में कई रहस्य भी डूबे हुए हैं। समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं। इसी का नतीजा है कि हमें आए दिन समुद्र के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहती है। लेकिन हमारे भारत देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनका अस्तित्व भी सदियों से बना हुआ है। भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं, उनका कोई ना कोई खास बात जरूर है। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जो सदियों से गहरे समुद्र में दफन है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गंधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारिकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारिकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं। ये बेहद जोखिमपूर्ण मामला है। द्वारिकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारिकापुरी के कई द्वार हैं। इसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेड़ द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। बेशक द्वारिकापुरी अब पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारिकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा ड्राइविंग के जरिए पहुँचा जा सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था, इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारिकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10000 साल पहले समाप्त हो गया। बहरहाल, पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा, तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारिकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारिकापुरी समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुश स्थली कहते थे। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एसआर राव ने। प्रोफेसर राव ने मैसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 से 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 32000 वर्ष पुराना है तथा 9000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9000 वर्षों पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया था, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।